हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कॉन्गनाइज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक करवाया था तोरू दत्त असर्शन ऑफ इंडियन लाइफ। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था दत्त फैमिली एल्बम और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लाइफ ऑफ तोरू दत्त। आज मैं आपको करवाऊंगी द लाइफ ऑफ तोरू दत्त। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ साइड में मैंने आपको मीनिंग्स दे रखे हैं, अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा। तोरू दत्त वॉज द यंगेस्ट ऑफ द थ्री चिल्ड्रन बोर्न टू गोविंद चंद्र दत्त एंड कशेत्रो मणि ऑन March 4, 1856। जो तोरू दत्त थे वो तीन भाई बहन थे, उनका जन्म, तीनों भाई बहनों का जन्म हुआ था गोविंद चंद्र दत्त के घर में और उनकी माता कौन थी, क्षेत्रो मणि। उनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1856 को। एज मेंशन्ड अर्लियर दे वर कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। हमने पिछले टॉपिक में भी रीड किया था जो वो कन्वर्ट किस धर्म में हो गए थे, क्रिश्चियनिटी में। आपको बताया भी था उन्होंने क्रिश्चियन चर्च में नामदान ले लिया था। एंड द फैमिली वर बैप्टाइज्ड इन द क्रिस्ट चर्च। बैप्टाइज्ड होता है ईसाई बनना, मतलब ईसाई चर्च में वो ईसाई बन गए थे। कॉर्नवॉलिस स्क्वायर कलकत्ता इन 1862। ये एड्रेस बताया हुआ है चर्च का। द ओल्डेस्ट अमंग द थ्री चिल्ड्रन वॉज अपजू। उनमें से सबसे बड़ा कौन था, अपजू, जो उनका बेटा था। फॉलोड बाय अ डॉटर अरु। उनके बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था अरु। एंड देन द यंगेस्ट वॉज तारा। सबसे छोटी कौन थी, तारा। प्राइवेट ट्यूटर टॉट द थ्री चिल्ड्रन एट होम। एक प्राइवेट टीचर थे जो उन्हें घर पे पढ़ाते थे। द लिटल दत्त गर्ल्स इवन हैड एन इंग्लिश गवर्नेस हु टॉट अरु एंड तोरू हाउ टू सिंग एंड टू प्ले द पियानो फोर्ट। कुछ इंग्लिश गवर्नेस भी थे जो उन्हें पढ़ाते थे, मतलब उन्हें बताते थे कैसे गाना है, कैसे पियानो बजाना है। दिस स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली लाइफ वॉज डिसरप्टेड। डिसरप्टेड होता है भंग होना। Disrupted rather suddenly by the death of Abju at the tender age of 14 years. अभी उसकी, मतलब जो अबजू था उसकी बच्चों वाली एज थी, मतलब वो सिर्फ 14 years का ही था जब उसकी डेथ होगी, जिससे उसके घर की खुशियां भंग हो गई। Though broken hearted and deeply grieved by the death of his firstborn, Govind Chandra Dutt never lost faith in God. जो उनके घर में सबसे पहले जन्मा था अबजू, उसकी मृत्यु के बाद उनका दिल था जो बहुत ज्यादा टूट गया था, क्योंकि उनका जो firstborn था, मतलब जिस अबजू ने सबसे पहले जन्म लिया था, उसकी डेथ हो गई थी। पर फिर भी जो गोविंद चंद्र दत्त थे उनके पिता, उनका गॉड से विश्वास नहीं उठा, वो वैसे ही विश्वास रखते थे। इट वॉज दिस सेम फेथ दैट वॉज टू सस्टेन हिज वाइफ एंड डॉटर तोरू। उनका ये विश्वास बनाए रखने के लिए उनके पास उनकी वाइफ और उनकी बेटी तोरू थी। When tragedy struck the Dutt household once again in later years, after the death of Abju, the Dutt spent 4 more years in Calcutta. Abju की मृत्यु के बाद क्या हुआ, उन्होंने 4 साल कलकत्ता में बिताए। उनके दो हाउस थे, रामगन और बोगमारी। उन्होंने अपने आप को उनके बीच बंद कर लिया था। नेक्स्ट है, फाइनली इन 1869 में गोविंद चंद्र दत्त मेड अप हिज माइंड। उन्होंने अपना दिमाग बनाया, मतलब माइंड बनाया, टू मूव अवे फ्रॉम द सिटी, मतलब उस सिटी से दूर जाने के लिए
दैट कॉज्ड हिम, जिन्होंने उनको बहुत दुख दिया, एंड हिज फैमिली सो मच पेन, और उनकी फैमिली को भी बहुत दुख पहुंचाया. मोर ओवर बींग एन एंथोसियास्टिक एडमायरर ऑफ द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ एजुकेशन एंड कल्चर, ही वॉज डिटरमाइंड टू गिव हिज सर्वाइविंग चिल्ड्रन द एडवांटेज ऑफ फॉरन ट्रेवल एंड एजुकेशन. उन्हें क्या था, बहुत शौक था उनके मन में, जो उसे एडमायर करता था, मतलब वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को वो जीना चाहते थे, एजुकेशन कल्चर. उन्होंने क्या डिटरमाइन किया, अब वो जो उनके जीवित बच्चे हैं, सर्वाइविंग चिल्ड्रन, उनके लिए वो फॉरन ट्रैवलर के लिए जाएंगे और उनकी एजुकेशन के लिए. द फैमिली सेट सेल फॉर फ्रांस इन 1869. सेल होता है जल यात्रा. उन्होंने क्या किया, अपनी जल यात्रा फ्रांस के लिए स्टार्ट कर दी, मतलब 1869 में वो फ्रांस गए. अरु एंड तोरु वर देन मेयर चिल्ड्रन. उनके मेयर होता है ओनली, मतलब अरु और तरु उनके दो बच्चे थे, जो दो लड़कियां थी. एंड द फर्स्ट बंगाली गर्ल्स, ये फर्स्ट बंगाली टू गर्ल्स थी जिन्होंने क्या क्रॉस किया था, सात समुंदर, और जल यात्रा की थी विदेश के लिए. दे लैंडेड एट मर्सेल्स एंड सेट ऑफ फॉर नाइस, वेयर अरु एंड तोरु अटेंडेड स्कूल एट अ पैशनेट इन विच दे स्टडी फ्रेंच एंड वर टू बिकम प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज. अरु और तोरु ने वहां जाके वो सेट हो गए और उन्होंने एक स्कूल अटेंड किया जहां पे वो फ्रेंच की स्टडी करते थे, और वो क्या थे, एक प्रोफिशिएंट लैंग्वेज सीखना चाहते थे, मतलब लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट बनना चाहते थे. बोथ द इम्प्रेशनेबल यंग गर्ल वर फैसिनेटेड बाय द फ्रेंच वे ऑफ लाइफ, जो फ्रेंच का रहने का तरीका था, मतलब फ्रेंच के रहन सहन की जो लाइफ थी, दोनों बहनों को उस लाइफ ने बहुत फैसिनेट किया, आकर्षित किया. एंड बाय द इंटेलेक्चुअल करंट ऑफ फ्रेंच इनलाइटनमेंट, जो उसके करंट अफेयर्स थे, मतलब करंट इंटेलेक्चुअल बौद्धिक थे, उनको भी बहुत आकर्षित किया गया. नाइस, फ्रॉम नाइस दे वेंट ऑन टू पेरिस. नाइस से वो कहाँ गए, पेरिस, द कल्चरल हब ऑफ फ्रांस, एंड देन ऑन टू बोलोंगने इन इटली. पेरिस के बाद वो इटली में गए, बोलोंगने, बिफोर देयर फाइनल डेस्टिनेशन इंग्लैंड. उनकी लास्ट डेस्टिनेशन कौन सी थी, इंग्लैंड. बट इंग्लैंड नेवर ग्रू अपॉन तोरुज हार्ट इन द वे ऑफ फ्रांस, मतलब उन्होंने इंग्लैंड में वैसा कुछ नहीं सीखा जो उन्होंने फ्रांस से सीखा, उनको फ्रांस में बहुत कुछ सीखने को मिला. शी रोट इन हर जर्नल डेटेड 29 and 30 January 1871, ये उन्होंने अपने जर्नल में लिखा था ये वाली डेट. ड्यूरिंग द फ्यू डेज वी रिमेन्ड इन पेरिस, हाउ ब्यूटिफुल इट वॉज. कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या बोला कि वो पेरिस में रहे, वो बहुत अच्छा था, उनकी गलियां बहुत मस्त थी. वट अ मैग्निफिशेंट आर्मी, वहां के सोल्जर्स बहुत अच्छे थे. बट नाउ हाउ फॉलन इट इज, फिर भी वो ऐसे कैसे गिर गया, मतलब डिग्रेड हो रहा था पेरिस. इट वॉज द फर्स्ट अमंगेस्ट द सिटीज एंड नाउ वट अ मिजरी इट कंटेन. सभी शहरों में से ये सबसे फर्स्ट नंबर पे था और अब ये क्या है, मिजरी सफर कर रहा है. तोरु दत्त एटीट्यूड द डी जनरेशन ऑफ फ्रांस टू डिवोर्स फ्रॉम गॉड. ओ फ्रांस हाउ आर तो ब्रॉट लो मेयस थो आफ्टर दिस ह्यूमिलेशन सर्व एंड वर्शिप गॉड बेटर देन दो हेस्ट डन इन दिस डे. इसमें तोरु दत्त फ्रांस के लिए बोल रही है कि आपने अपना इतना निरादर सहते हुए गॉड की पूजा करनी तो सीख ही ली होगी, मतलब उन्होंने ये बताया कि हमारे लिए भगवान ही सब कुछ है, मतलब इतना निरादर होने के बाद तुमने गॉड की पूजा करनी तो सीख ही ली होगी.
After Aru's death, the family attempted to resume its normal routine. अरु के डेथ के बाद उसकी फैमिली ने दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन को शुरू करने के बारे में सोचा. ब्रेकिंग द मोनोटोनी ऑफ लिविंग नाउ एंड क्योंकि वो एक ही तरह की जिंदगी जी के बहुत टूट चुके थे, क्योंकि ये उसका उनकी फैमिली का दूसरा बच्चा था जिसकी मृत्यु हो गई थी टेंडर एज में ही. एंड देन थ्रू विजिट टू देयर बोगमारी गार्डन होम, वो कहाँ जाना चाहते थे, कहाँ गए, बोगमारी गार्डन होम में. द सडन डिमाइज ऑफ अरुदत्त, क्या था मतलब उसकी मृत्यु जो हुई उसको गोविंद चंद्र दत्त पर बुरा प्रभाव पड़ा. दिस वॉज द सेकेंड टाइम, मैंने आपको बताया है अभी, ये सेकेंड टाइम था जब उसके सेकेंड बच्चे की डेथ हुए. Had been snatched by the cruel hands of fate. मतलब किस्मत ने बुरे हाथों से उसके दूसरे बच्चे को भी छीन लिया. He longed to return to England and the Lake District where his favorite poet Wordsworth had resided. Longed होता है इंतजार, मतलब उसको काफी टाइम से ये इंतजार था, मतलब इंग्लैंड वापस जाने का और लेक डिस्ट्रिक्ट पे जहां उसका फेवरेट पोएट वर्ड्सवर्थ रहता था. कंबाइंड विद द फादर्स लॉन्गिंग फॉर अ डिफरेंट प्लेस, उसकी इच्छा क्या थी, मतलब अलग अलग प्लेस पे जाने की इच्छा रखते थे उनके फादर. दैट कुड ऑफर हिज ब्रुइस्ड हर्ट सम सोलेस, जिससे उनके टूटे हुए हर्ट को क्या है थोड़ा सुकून मिले. Was the youngest daughter's deep love for France and the French way of life. और उनसे उनकी बेटी भी काफी प्रभावित हुई थी, younger daughter, फ्रांस के वे ऑफ लाइफ से. After her European trip and because of her religion, her illustrious family, her love for France, Toru Dutt could never adopt to the Bengali way of life. तोरु थी जो उसने यूरोपियन ट्रिप के बाद जो रिलीजियस मिला उसे, फैमिली मिली, उसका क्या था, काफी ज्यादा प्यार था फ्रांस के लिए. तोरु ने बंगाली वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट नहीं किया था. द लॉस ऑफ हर ओल्डर सिबलिंग्स, अपने मतलब बड़े भाई बहन की मृत्यु से उसके दिल में जो दर्द था वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी. Found an outlet in a romantic melancholia and oppression and preoccupation with death. Melancholia होता है उदासी और obsession होता है जुनून, मतलब उसके मन में जुनून भी था पर वो अपने दुख से काफी प्रभावित हो चुकी थी और उसे express भी नहीं कर सकती थी. The fact that she was neither French nor English but Indian by birth led her to seek root consciously. वो क्या थी, ना तो फ्रेंच थी ना ही इंग्लिश थी, वो क्या थी, वो एक ऐसी चीज फाइंड कर रही थी, मतलब कॉन्शियसली वो अपने जन्म की रूट्स को फाइंड आउट कर रही थी. इन हर क्वेस्ट, मतलब क्वेस्ट होता है खोज, टर्न टू द टेल्स हर मदर एंड हर नैनी हैड टोल्ड हर एज अ चाइल्ड. उसने अपनी खोज में क्या किया, उसकी नानी और माँ के द्वारा जो कहानियां उसे सुनाई गई थी उसने उन्हीं कहानियों के बारे में बताया. हर इंटरेस्ट इन लीजेंड्स एंड मिथ, उसका कवि दंतियों और मिथ के रिलेटेड जो इंटरेस्ट था उसको, मतलब संस्कृति लर्न करने की ओर आकर्षित किया, लर्निंग ऑफ संस्कृत. अ डिजायर दैट वॉज, ये जो इच्छा थी इसमें उसे उसके फादर ने इनकरेज किया, इनकरेज्ड बाय हर फादर. मीनवाइल, इसी दौरान She continued to publish her writing in Bengal magazine. उसने क्या किया, अपनी writing को publish करवाना continue कर दिया Bengal magazine में. The following year in 1875, despite
अ रिन्यूअल ऑफ हर इलनेस, उसने अपना काम कंटिन्यू रखा डेस्पाइट होता है बावजूद रिन्यूअल, न्यू मतलब उसकी बीमारी अभी नई शुरू हुई थी, इसके बावजूद भी उसमें उसने अपना काम कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट है, तोरू कंप्लीटेड हर शेफ ग्लीड इन फ्रेंच फील्ड। तोरू ने क्या किया, शेफ ग्लीड थी उसने फ्रेंच फील्ड में, वो कंप्लीट की और उसे ट्रांसलेट भी करने के लिए दिया गया। आफ्टर दी कंक्लूजन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद शी रिज्यूम वंस मोर होर संस्कृत स्टडी, शी रिज्यूम वंस मोर हर संस्कृत स्टडी, उसने संस्कृत की स्टडी के बारे में फिर से सोचा। लॉन्गिंग टू रीड द रामायण एंड द महाभारत इन द ओरिजिनल, उसकी इच्छा थी कि वो ओरिजिनल में रामायण और महाभारत रीड करे। इन 1876 आफ्टर मच ट्रूबल, मतलब 1876 में काफी मुसीबतों के बाद भी पब्लिशर वॉज फाइनली फाउंड फॉर तोरू फर्स्ट बुक शेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड, उसकी जो फर्स्ट बुक थी वो पब्लिश हो गई। मेल क्लैरिजे बेडर नाउ इंटरेस्टेड तोरू दत्त इन अनदर फ्रेंच बुक, ये जो बेडर थे उनका इंटरेस्ट था कि वो फ्रेंच की एक और बुक देखें तोरू दत्त की। फेम डेंस एल इंडे एंटीक अ रेंडरिंग ऑफ द लीव्स ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन वूमेन, वो बुक थी जो सेकंड, वो किसके रिलेटेड थी, प्रोमिनेंट इंडियन वूमेन के। शी पटिशन्ड द ऑथर फॉर दी परमिशन टू ट्रांसलेट, पटिशन होता है निवेदन करना, उसने ऑथर से निवेदन किया कि उसकी बुक के 4 वॉल्यूम ट्रांसलेट किए जाएं, बट हर इंटरेस्ट वॉज ऑब्वियसली इन दी वॉल्यूम ऑफ दी वुमेन ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें कौन सी वॉल्यूम में था, वुमेन ऑफ इंडिया। द परमिशन वॉज रीडली ग्रांटेड, उसे परमिशन मिल गई थी वॉल्यूम्स के लिए, बट तोरू दत्त फाउंड हर सेल्फ टू अनवेल टू कमेंस हर वर्क, पर इस काम को शुरू करने के लिए तोरू दत्त है जो वो काफी बीमार फील कर रही थी, मतलब अच्छा फील नहीं कर रही थी, अनवेल। टॉवर्स द एंड ऑफ हर लाइफ, मतलब उसकी लाइफ का एंड, तोरू हु हैड ऑलवेज लिव्ड एन आइवोरी टावर एग्जिस्टेंस अमंगेस्ट द बुक एंड जर्नल्स बिगिंस टू शो अ सर्टेन सोशल अवेयरनेस दैट वॉज एबसेंट इन हर राइटिंग सो फॉर। स्टार्टिंग से ही वो किस चीज के लिए फैसिनेट होती रही है, सोशल अवेयरनेस के लिए, पर उनकी राइटिंग में ये सब एबसेंट रहा। इन हर कोरेस्पोंडेंस, अपने पत्राचार में वे शी समटाइम मेड क्रिटिकल रेफरेंस, शी रिज्यूम वंस मोर हर संस्कृत स्टडी, उसने संस्कृत की स्टडी के बारे में फिर से सोचा। लॉन्गिंग टू रीड द रामायण एंड द महाभारत इन द ओरिजिनल, उसकी इच्छा थी कि वो ओरिजिनल में रामायण और महाभारत रीड करे। इन 1876 आफ्टर मच ट्रूबल, मतलब 1876 में काफी मुसीबतों के बाद भी पब्लिशर वॉज फाइनली फाउंड फॉर तोरू फर्स्ट बुक शेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड, उसकी जो फर्स्ट बुक थी वो पब्लिश हो गई। मेल क्लैरिजे बेडर नाउ इंटरेस्टेड तोरू दत्त इन अनदर फ्रेंच बुक, ये जो बेडर थे उनका इंटरेस्ट था कि वो फ्रेंच की एक और बुक देखें तोरू दत्त की। फेम डेंस एल इंडे एंटीक अ रेंडरिंग ऑफ द लीव्स ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन वूमेन, वो बुक थी जो सेकंड, वो किसके रिलेटेड थी, प्रोमिनेंट इंडियन वूमेन के। शी पटिशन्ड द ऑथर फॉर द परमिशन टू ट्रांसलेट, पटिशन होता है निवेदन करना, उसने ऑथर से निवेदन किया कि उसकी बुक के 4 वॉल्यूम ट्रांसलेट किए जाएं, बट हर इंटरेस्ट वॉज ऑब्वियसली इन दी वॉल्यूम ऑफ दी वुमेन ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें कौन सी वॉल्यूम में था, वुमेन ऑफ इंडिया। द
द परमिशन वॉज रीडली ग्रांटेड, उसे परमिशन मिल गई थी वॉल्यूम्स के लिए, बट तोरु दत्त फाउंड हर सेल्फ टू अनवेल टू कमेंस हर वर्क, पर इस काम को शुरू करने के लिए तोरु दत्त है जो वो काफी बीमार फील कर रही थी, मतलब अच्छा फील नहीं कर रही थी, अनवेल। टॉवर्स द एंड ऑफ हर लाइफ, मतलब उसकी लाइफ का एंड, तोरु हु हैड ऑलवेज लिव्ड एन आइवोरी टावर एग्जिस्टेंस अमंगस द बुक एंड जर्नल्स बिगिंस टू शो अ सर्टेन सोशल अवेयरनेस दैट वॉज एबसेंट इन हर राइटिंग सो फोर। स्टार्टिंग से ही वो किस चीज के लिए फैसिनेट होती रही है, सोशल अवेयरनेस के लिए, पर उनकी राइटिंग में ये सब एब्सेंट रहा। इन हर कोरेस्पोंडेंस, अपने पत्राचार में वे, शी समटाइम मेड क्रिटिकल रेफरेंस टू द इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटीज लैक ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड एज वेल एज हिंदू इंडियन कम्युनिटी मॉरल रिजिडिटी। उसने अपने पत्राचार में क्या किया, रेफर किया इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्या था, मतलब मॉरल स्टैंडर्ड की कमी थी, एज वेल एज हिंदू इंडियन कम्युनिटी में क्या था, मॉरल रिजिडिटी की कमी थी। शी वॉज ऑलवेज टंग टू द क्विक बाय सम रिपोर्टेड इंस्टांस ऑफ ब्रिटिश अरोगेंस टुवर्ड इंडियंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द विजिट ऑफ द प्रिंस वेल्स ऑफ इंडिया। स्टंग होता है डंक मारना, क्विक मतलब शिघर। वो क्या थी, मतलब उसने ऐसे रेफर किया, मतलब ब्रिटिश अरोगेंस ने जो इंडियंस के प्रति, मतलब कंटेक्स्ट में प्रिंस ऑफ वेल्स टू इंडिया जो पहुंचने वाले थे उनके लिए रिपोर्टेड किया। Nevertheless, her social awareness, such as it was, never really affected itself more than obliquely in her writing. मतलब उन्हें स्टार्टिंग से ही सोशल अवेयरनेस से ज्यादा इफेक्ट था, मतलब वो यही चाहती थी कि उनकी राइटिंग्स में सोशल अवेयरनेस भी प्रेजेंस हो। तोरु दत्त टू डाइड यंग, मतलब तोरु दत्त की जो मृत्यु थी वो भी बहुत यंग एज में हुई, व्हेन शी वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड ऑन अगस्त 30, 1877। वो जब 21 ईयर्स की थी, 30 अगस्त 1877 को उनकी डेथ हो गई। तो यही थी तोरु दत्त का लाइफ के बारे में मैंने आपको जो बताया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दत्त फैमिली एल्बम के बारे में सारा कुछ बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, और इसमें आपको तोरु दत्त की लाइफ के बारे में तो सब कुछ पता चल ही गया। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप इंडोर्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लैंप द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स एंड वीडियोज ऑफ डिस्टिंक्टिव टॉपिक्स। थैंक यू।